आईटी लर्निंग ट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र, एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक नई सीरीज़ कैमटासिया स्टूडियो वीडियो एडिटिंग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा आईटी लर्निंग ट्यूट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो इस कोर्स के अंदर हम कैमटासिया स्टूडियो 8.6 को कंप्लीट सीखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज में 9 को भी सीखेंगे और मुख्तलिफ दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर को भी सीखेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज हमारे जो साइट के ऊपर मौजूद हैं, यानी कि itlearningtools.tk पे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं कैमटासिया स्टूडियो 8.6 को, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन नज़र आती है। यहाँ से मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस सॉफ्टवेयर के मतलब ओवरव्यू देता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से आपके साथ प्रैक्टिकली काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह आपको कुछ आइडियाज़ भी दूंगा जिसकी मदद से आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना के काफ़ी सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन जो आई हुई है ये वेलकम स्क्रीन है और इसमें एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च होता है, लेकिन वो अभी क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा ऑन हो चुका है तो इस वजह से वो लॉन्च नहीं दिखा रहा। आपके पास वो दिखाएगा तो आपने फाइल में जाके न्यू कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिकॉर्ड स्क्रीन इम्पोर्ट मीडिया, आप यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ से मीडिया ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स कुछ निकल के आ रहे हैं। यहाँ फ्री ट्रेनिंग भी आपको अगर आप देखना चाहें इनकी देख सकते हैं। यहाँ कम्यूनिटी टैब है और यहाँ पर क्लोज बटन है, तो यहाँ पे मैं इसको अनचेक करता हूँ ताकि ये नेक्स्ट टाइम मुझे शो ना हो और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये इसका सिंपल सा काफ़ी इंटरफेस है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो है स्क्रीन, ये आपकी प्रीव्यू स्क्रीन है, ये आपकी मेन्यू बार है, मुख्तलिफ मेन्यूज़ है। इनमें से ज़्यादातर मेन्यूज़ तो हम काम में नहीं लेते, शॉर्टकट कीज़ ही बस डाल देते हैं। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनमें से ये टूल्स का है और फाइल का है, ये ज़्यादा यहाँ पे यू मेन्यूज़ यूज़ होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी रिकॉर्ड स्क्रीन का बटन अवेलेबल है और यहाँ पे अभी मैंने क्लिक कर दिया है और ये अभी एरर दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग एक दूसरे सॉफ्टवेयर से हो रही है। इसके अलावा नहीं, मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना था, यहाँ पे रिकॉर्ड पावर पॉइंट को भी आप डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इम्पोर्ट मीडिया, यहाँ से इम्पोर्ट मीडिया आप डायरेक्टली तमाम किस्म का कर सकते हैं जिस तरह करना हो। ये देखें, आप इमेज ऑडियो वीडियो और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है जी इम्पोर्ट फ्राम गूगल ड्राइव एंड इम्पोर्ट फ्राम माई प्लेसेस से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जी जो वीडियो होगी वो रेंडर होगी और वो आपके कंप्यूटर में सेव होगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली से शेयर टू स्क्रीन कास्ट वीमो गूगल ड्राइव एंड यूट्यूब एंड माई प्लेसेस में इसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू ओपन एंड सेव के ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। ये आपकी प्रीव्यू स्क्रीन है, यहाँ पर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, हैंड का है, स्क्रीन पॉइंट करना वगैरह और इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शन फुल स्क्रीन एंड यहाँ पे वीडियो पर भी आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ क्लिप बिन है, यहाँ पे आपकी जो डेटा इंपोर्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लाइब्रेरी है, इसमें कुछ एनिमेशन भी बनी हुई है और कुछ बहुत सारे कॉल आउट्स वगैरह आप यहाँ से, म्यूज़िक भी अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लाउड्स हैं, तमाम चीज़ों को हम सीखेंगे, जूम इन जूम आउट ऑडियो ट्रांजिशंस और यहाँ पे कर्सर इफेक्ट और मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं। विजुअल प्रॉपर्टीज़, वॉइस नरेशन, रिकॉर्ड कैमरा कैप्शन और क्विजिंग, ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपकी टाइमलाइन की जो लेंथ है, यानी कि उसको सेकंड में दिखाना है, मिनट्स में दिखाना है और किस तरह दिखाना है। यहाँ पे एंडू रेंडू है, कट का ऑप्शन है, स्पेल्ट का है, कॉपी एंड पेस्ट का। यहाँ पर थोड़ी सी इसकी जो आपकी टाइमलाइन है इसकी सेटिंग है। यहाँ पे ट्रैक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल है, आप डिफरेंट ट्रैक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और ट्रैक्स पे काम कर सकते हैं। तो ये तमाम काम हम सीखेंगे इसी कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट की आखिरी एक दो वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, कुछ आइडियाज़ दूंगा जिनकी मदद से आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना के वहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।